हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली हाउसवाइफ चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कैसे आप लोग सभी घर में इंस्टेंटली अपना फिट को सुंदर, कोमल और साफ बना सकते हैं। बहुत किसी का पैर में जो एड़ी होता है उसमें मतलब एड़ी फट जाती है, तो इसको आप कैसे केयर करें और अपना जो पैर का जो डार्क स्पॉट है, जो ब्लैक पैचेस है, उसको आप कैसे ठीक करें, तो इसके लिए हमको चाहिए एक टमाटर भी कोई कोई बोलते हैं। तो टमाटर में ना बहुत सारा मतलब एंटीऑक्सीडेंट रहता है जो पैर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये टमाटर आपका जो पैर का ब्लैक पैचेस है, जो टैन हो जाता है पैर, उसको एकदम क्लीन कर देगा। थोड़ा बहुत एक दिन के यूज़ से कुछ नहीं होगा, इसको आपको मतलब वीक में एक बार करना है और आप 3-4 वीक में ही इसका फ़र्क देख सकते हैं। तो देखिए, मैं इस टमाटर को दो हिस्से में कट कर लिया है और सिंपल सा इसका जो जूस है इसको पैर में हम रब करेंगे। इससे क्या होगा, इस टमाटर का जो जूस है इससे आपका पैर का जो त्वचा है, इसमें टमाटर का जो जूस है ये जाकर पैर का जो स्किन है उसको सॉफ्ट करेगा, उसको कोमल करेगा और एक इंस्टेंट ग्लो आपको नज़र आएगा। तो टमाटर बहुत काम की चीज़ है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स क्या करते हैं, टमाटर को अपना स्किन में मतलब जो फेस का स्किन है उसको उसमें डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फेस का स्किन में टमाटर आप डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं। जिन जिन का सेंसिटिव स्किन है वो सब टमाटर को फेस में प्लीज़ यूज़ ना करें, क्योंकि सेंसिटिव स्किन में टमाटर लगाने से उसमें इचिंग होता है, जलन होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन जिन जिन को सेंसिटिव स्किन नहीं है उन सबको टमाटर सूट हो जाता है, सबको नहीं होता है। लेकिन आप लोग पैर का जो स्किन होता है वो अलग होता है, उसमें पैर का, हाथ का, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, हम अच्छे से एक पैर में पूरा जूस निकाल लिया और उसके साथ मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। नमक में जो बैक्टीरिया होता है उसको ख़त्म करने का एक मतलब क्षमता रहती है, तो इसीलिए हम नमक का यूज़ करते हैं। और इस ये नमक आपका पैर का स्क्रबिंग करने में भी मदद करता है। पैर का जो स्किन होता है उसको एज अ स्क्रबर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपको घर में ही मिल जाएगा, आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत कॉस्टली कोई प्रोडक्ट भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस आप जैसे मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आपको सर्कुलर मोशन में ही इसको रब करना है, ऐसा नहीं है। आप जैसे कर सकते हैं वैसे ही आपका स्किन में, पैर का स्किन में जहाँ जहाँ ब्लैक पैचेस पड़ गया है वहाँ वहाँ पूरा पैर में आप लगा लीजिए और थोड़ा बहुत टाइम इसको रख दीजिए। उसके बाद एक आप बोल ले लीजिए। देखिए, मैं इसको टब एक ले लिया है और इसमें ठंडा पानी, ऐसा नहीं है कि गुनगुना पानी, गर्म पानी, ऐसा नहीं है, ठंडा मतलब नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें आप पैर को धो लीजिए और इंस्टेंट आप देख पाएंगे आपका पैर कितना साफ और कितना चमकदार हो गया है और एक पैर का जो स्किन है उसमें एक इंस्टेंट आप ग्लोइंग आपको नज़र आएगा। तो देखिए, मैं पैर में जो मेहंदी होता है वो लगाई थी तो इसीलिए थोड़ा बहुत लगा है। और देखिए, मैं पानी को फेंक दिया है
और उसके बाद मैं थोड़ा सा मतलब पैर को अच्छे से पोंछ के उसमें थोड़ा सा मैं सरसों का जो तेल होता है वो मैंने लगा लिया है। सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है, मैंने सरसों का तेल ही यूज़ किया है। पहले का टाइम सरसों का तेल ही सभी यूज़ करते थे। तो फ्रेंड, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भी नया हेल्पफुल कोई वीडियो लेके मैं बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए सभी अच्छे से रहेगा, खुश रहेगा और मेरी चैनल बंगाली हाउसवाइफ संगीता देखते रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।